अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बहन जी, संजय नहीं है घर पे? अरे भाई साहब, वो काम पर गया है। हमने कहा था छुट्टी ले लो, शादी के 2 ही दिन बचे हैं। लेकिन आप लोग को तो मालूम ही है, प्राइवेट नौकरी में कहाँ छुट्टी मिलती है। जी बहन जी, आप लोग कपड़े और गहने देख लीजिए, अगर कुछ कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। ऐसी बात कर रही है बहन जी, ये सब की जरूरत नहीं थी। बहन जी, दूल्हे के कपड़े तो बेटी के घर से ही आएंगे ना। मैं सही कह रही हूँ बहन जी, ये सब लाने की कोई जरूरत नहीं थी। कैसी बातें कर रही है आप, ये तो हक है दामाद जी का। ये सब पुराने रिवाज है, आपने अपनी बेटी दे दी, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हम आप लोगों के लिए चाय बना कर लाते हैं। बोल अम्मा, क्या कर रही हो ये तुम? क्या कर रही हो क्या मतलब? अम्मा, भैया का अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा, और शादी के बाद भी क्यों अम्मा किसी की जिंदगी के साथ खेल रही हो? चुप रे, बहुत धीरे बोल। संजय ने मेरे सर की कसम खाई है, अब वो कभी ऐसा नहीं करेगा। अम्मा, अम्मा दोबारा नहीं होगा। अम्मा माफ कर दो, अम्मा गलती हो गई, नहीं होगा दोबारा। मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है अब। मैं लड़की वालों को मना कर रही हूँ और ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। अम्मा दोबारा ऐसा नहीं, हम तुम्हारे सर की कसम खाते, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारे सर की लाज रखना। तू जा चाय नाश्ते का इंतजाम कर। मेरा संजय मेरी झूठी कसम नहीं खा सकता। क्या कर रही है? जो करने में मजा आता है वही तो कर रही हूँ। अच्छा, कौन है साला, चैन से ऐश भी नहीं करने देता। सोनू, सोनू दरवाजा खोल। संजय है साला, जाने मन सही बकरे फंसा के रखे हैं तूने तो। हट, देखो क्या चाहिए। नहीं छोड़ ना, जाने दे, हम लोग मजा करते हैं। सोनू जाने देना, देखने दे क्या काम है साले को। क्या हो गया तुझे? नहीं भाई, माल चाहिए, माल। 2 दिन से हालत खराब है, माल दे। भाई ना तो मेरे पास माल है ना कोई पैसे, और कोई लंगर नहीं चल रहा है यहाँ पे। भाई 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 भाई, मेरी जान चली जाएगी भाई, या तो मुझे जान से मार दे, मुझे माल दे, कहीं से भी बस मुझे माल दे। सोनू, दोस्त है तेरा, इसकी हालत तो देख, तुझे तरस नहीं आती इसके ऊपर? कुछ करना इसके लिए। भाई एक रास्ता तो है, कुछ भी रास्ते से दिला, बस माल दिला। रंजीत भैया, रंजीत भैया क्या जाते हैं, पैसे उठाते हैं। पचास हजार 40% ब्याज लगेगा हर महीने, ठीक है? जी भाई, आपके पैसे अगले महीने तक वापस कर देंगे। 50,000 और 40% ब्याज, मतलब 70,000 रुपये अगले महीने चाहिए। ये सोनू, इसकी गारंटी लेता है क्या तू? हाँ भाई, हम इसकी पूरी गारंटी लेते हैं। बहन जी, आजकल तो गारंटी किसी की नहीं है, लेकिन हम अपने बेटे से ज्यादा इस बात की गारंटी लेते हैं, आपकी बेटी आरती इस घर की बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी।
पूरे 50,000 रुपए का माल खरीद के लाया हूँ। सफेद सोना है ब्रो, सफेद सोना। मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिल रहा ऐसा माल। भाई इतना सारा माल तो मैं वैसे भी घर नहीं ले जा सकता, अम्मा सारा बर्बाद कर देगी। इसको अपने पास संभाल के रख। अरे ये तो दूसरी दुनिया में पहुंच गया। भाई 50 के 70 देंगे कहां से? तू टेंशन क्यों लेता है ब्रो, मेरा ब्याह होने वाला है, ब्याह। और फिर दहेज भी तो मिलेगा, और तेरी बीवी का वो सोना और चांदी पूरे महीने भर चलेगा। ऐश करता रहे तू बस, ऐश। सदा स्वागत रहो। यही नाम है ना तुम्हारा? बहुत ही खूबसूरत नाम। इधर देखो, अपने पति से शर्माओगी? क्या देख रही है? आ गए तेरे पास? देखिए आप क्या कर रहे हैं? हमें डर लग रहा है, हटी हटी हमारे ऊपर से हट जाइए। संजय, अरे वो क्या देख रही है, पानी लेकर आ।
अम्मा मार क्यों रही हो? माँ जी आप इन्हें क्यों मार रही है? देखा ना अम्मा, मम्मी कहा था एक बार और सोच लो। हमारी झूठी कसम नहीं तुझे, हमारी झूठी कसम नहीं। अम्मा अम्मा मैंने कोई कसम नहीं तोड़ी। अम्मा एक दोस्त ने मुझे मार दे दिया। मैं इतना आसान नहीं होता ये सब छोड़ना। अरे कलेजा कटता है, मेरा दर्द होता है मुझे। पर मैं सच कह रहा हूँ, जब से मैंने तुम्हारी कसम खाई है ना, तब से मैंने नशे को हाथ भी नहीं लगाया। भरोसा करो मेरा मां, सच कह रहा हूँ। देखा ना अम्मा, हमने पहले ही कहा था एक बार और सोच लो। हार गई तुमसे, मैं हार गई। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कोई उम्मीद नहीं बची। सच कह रहे हैं, अब छोड़ चुके हैं। दिन रात तो ऑफिस में काम करते हैं ताकि तुम्हारे लिए, इस घर के लिए कुछ कर सके। भरोसा करो हमारी बात का। अब आगे से ऐसा तुमने किया ना तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वो बिल्कुल नहीं घबराना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तुम हमसे कहना। सारी जिम्मेदारी तुम्हारी अब हमारे ऊपर है, बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है ना आप? कुछ चाहिए आपको? संजू तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सब सही चल रहा मां। क्या नाम बताया था उस कंपनी का जिसमें नौकरी लगी है? श्री कृष्णा ट्रांसपोर्ट। अम्मा मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। आरती तुम दोनों के भी सब ठीक रहा ना? देखिए आरती हमारे कमी है, हमें कमी है, कमी है, हमें कमी है, हमें कमी है। अरे बोल ना, कमी है हमें, कमी है, कमी है हमें। कि हमने ऐसा कभी नहीं सोचा कि आप में कमी है। बोलेगी 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 किसी को? नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। हमसे ज्यादा चलिए हमें नहीं बोलेंगे कुछ। आरती क्या हुआ, क्या नहीं बोलेंगे आप? कुछ ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच? नहीं माँ जी, माँ जी सब सब बढ़िया है। ये चोट कैसे लगी? वो माँ जी सोते वक्त इनका हाथ लग गया था। ज्यादा तो नहीं लगी ना बेटा? सोते हुए लगी है या प्यार में लगे? अच्छा माँ हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, हम निकलते हैं ठीक है? हाँ बेटा। सोनू, भाई, भाई, भाई माल चाहिए, माल लेके जल्दी से। ए क्या हाल है ब्रो, कहाँ से आ रहा है? बातें बाद में करें, भाई माल लेके आ, पहले माल चाहिए मुझे, बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा, जल्दी लेके आ। शांत क्या खड़ा है भाई, माल मांग रहे हैं, माल लेके आ। यार वो माल नहीं है यार। ये मतलब
यार वो कपड़े में डाला था माल और जीन्स डाल दी मैंने धोने को, सारा का सारा माल धुल गया यार। तू पागल वागल है क्या? 50,000 रुपए का माल। भाई मेरी बात सुन, रंजीत भाई को पैसे देने, 70,000 कहाँ से देंगे यार? वो सब देख लेंगे। मेरी मेरी बात सुन, पैसा मेरे नाम पे उठाया था ना, सारा का सारा माल मेरा था, मुझे अभी के अभी वापस चाहिए, कहीं से भी लेके अभी इसी वक्त। अरे चिल ब्रो चिल, इतना भड़क क्यों रहा है यार? देख हमारा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा समझा, हम तुझे जान से मार देंगे अगर तूने सारा का सारा माल वापस। अरे 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 अरे, जान लेने की बातें क्यों चल रही है? अब देखो माल धुल गया तो धुल गया, अब क्या कर सकते हैं? अभी ये सोचो रंजीत भाई के पैसे कैसे चुकाने। अगर रंजीत भाई के पैसे नहीं चुकाए ना तो ऐसे छाते में डाल के खोल देगा और इससे तुमको हम दोनों ही बचा सकते। और ये समय झगड़ा करने का नहीं है, हमें तो अब ये सोचना पड़ेगा कि रंजीत भाई को पैसे कैसे वापस करें। अरे मैं क्यों दूंगा पैसे? तुमने माल घुमाया, तुम्हारी गलती है, तुम भरो पैसा सारा। अरे अरे हीरो हीरो इतना भड़को मत, तुम्हारी आग शांत करने की दवाई है मेरे पास, ये लो ऐश करो। माल कहाँ से मिलेगा और रंजीत भाई के पैसे कहाँ से चुकाएंगे? अरे ब्रो तेरी शादी हुई है ना, अब हर चीज सही होगी। तेरी बीवी को कुछ ना कुछ तो सोना चांदी मिला ही होगा ना, इस दिन काम आएगा। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें सोना चांदी चाहिए या रंजीत भाई के पैसे चुकाने हैं। सोनू क्या बात है, तूने तो अच्छा बेवकूफ बनाया इस बेवकूफ को, माल हमारे पास और पैसे वो अदा करेगा। देखती जाओ मेरी जान, आगे भी पैसे यही ला के देगा हमें। सुनील आपका टिफिन। बड़ा चुपचाप गया आज वो। हाँ माँ जी आजकल वो चुपचाप ही रहते हैं। भाभी बहुत भूख लग रही है, जल्दी नाश्ता दो ना। तुम पहले फ्रूट्स खाओ। भाभी आपका मंगलसूत्र कहाँ है? माँ जी पता नहीं, मैं तो गले में ही था। बेटा सुहाग ने मंगलसूत्र नहीं उतारा, कर जाओ ढूंढ लो और पहन लो। जी माँ जी। जाओ तुम भी। जी बहू मिला क्या? नहीं माँ जी हमने बहुत ढूंढा। बिंदु तुझे मिला क्या? नहीं माँ मुझे भी नहीं मिला। कुबेर और माल लेके आ। ये ले तुम माल, आज ही मंगाया है। रंजीत भाई का कॉल आ रहा है। उठाओ।
हाँ भाई। अबे सुन बे कबूतर, दो दिन में 50 नहीं पूरे 70,000 रुपए चाहिए, वरना हलाल कर देंगे तुझे भी और तेरे दोस्त को भी। हाँ भाई समझ गया, आप टेंशन मत लो, आपके सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, और वो भी टाइम पे, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। चल फोन रख। सोनू कहाँ से लाएंगे इतना पैसा यार? भाई अब तो तेरा ही सहारा है यार, तू ही कुछ कर सकता है यार, नहीं तो वो रंजीत मुझे और तुझे दोनों को लटका देगा। आरती कहीं ये संजय की हरकत तो नहीं है? माँ जी वो कल गहनों के बारे में हमें पूछ रहे थे, अलमारी में चेक भी कर रहे थे, तो हमने बता दिया कि गहने माँ जी ने ही रखे हैं। भैया एक मिनट रुको, बात करनी है मुझे आपसे। बोलो क्या वो? बहू का मंगलसूत्र कहाँ है? नहीं मंगलसूत्र थोड़ी ना पहन, अब बहू से पूछिए हमसे क्यों पूछ रहे हो? भैया झूठ मत बोलो, सच सच बताओ भाभी का मंगलसूत्र कितने में बेचा तुमने? हे बिंदु तू पागल वागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है, एक थप्पड़ देंगे ना मुंह पे। संजय तेरे जोर से बोलने और बहन को डांटने से हम डर नहीं जाएंगे? अम्मी एक बार घर में अच्छे से ढूंढ लीजिए, उसके बाद हम पे इल्जाम लगाना। सारी जगह ढूंढ लिया भैया, कहीं नहीं है। सारी जगह ढूंढ लिया कहीं नहीं मिला? चलो चलो मेरे साथ। ठीक से ढूंढो सारे यहाँ पे। आरती वहां देखो तुम। बिंदु मिला कुछ? नहीं। यहाँ के देख। अम्मा हीरा। अरे वो तो बिक गया, लेकिन तू ये ले, वो सोना तो ये पित्तल, सेम टू सेम, पहना दियो अपनी बीवी को जाके, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। देख लिया अम्मा, इस आरती की वजह से आपने अपने बेटे पे शक किया, हम पे इल्जाम लगाया। संजू देख बेटा, इसमें आरती की कोई गलती नहीं है, वो क्या हुआ कि गलत फहमी हो गई थी तो उसने पूछ लिया। अब रात बहुत हो गई है, तुम दोनों सो जाओ, चल बिंदु। आप ये क्या कर रहे हैं? हम शोर बचा देंगे। जितना चिल्लाना है चिल्ला, यहाँ तुझे कोई नहीं बचा। चोर है हम, चोर है हम। रात को तुझसे हमने गहनों के बारे में क्या पूछा? तूने अम्मा को बता दिया? देखिए देखिए भगवान के लिए रुक जाइए, सहने की भी कोई एक सीमा होती है। हमको चोर साबित करना चाहती है, हमको चोर साबित करना चाहती है। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। ध्यान से सुन, अगर आज के बाद हमारी कोई भी बात तूने अम्मा से करी ना तो तुझे जान से मार, समझी? बोल मेरा पैसा कब मिलेगा? भाई उसके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, घर पे झूठ बोला हुआ है कि नौकरी करता है, लेकिन सच तो ये है
दिन भर मेरे घर पे पड़ा रहता है। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, नहीं तो तुझे और तेरे दोस्त को खत्म कर दूंगा, समझा? भाई लेकिन उसके पास एक बहुत प्यारी चीज है। क्या चीज? मेरे को पता है आपको बहुत पसंद आएगी, उसकी बीवी। बीवी? भाई मेरे को ये भी पता है, ये 50-70 हजार रुपए ना हम लोग के लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आपके लिए तो बहुत छोटी है। भाई लेकिन ये लड़की, इसकी कीमत 70 हजार से कई गुना ऊपर है। आपका दिल खुश हो जाएगा। बहन जी, अपनी बेटी को हम अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं। अरे भाई साहब, अगर आरती इस घर से चली गई तो हम दोनों घर की बदनामी हो जाएगी। अब से आरती की जिम्मेदारी मेरी है। अब अगर मेरे बेटे ने कोई भी गलती की, इसे मैं घर से निकाल दूं, जिंदगी भर इसकी शक्ल नहीं देखूं। पापा जी, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। बारह अगर मैंने ऐसा किया तो बेशक आप आरती को वापस ले जाइए। पापा जी प्लीज, प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। पापा जी मैं नहीं करूंगा दोबारा ऐसा, आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी यही होगा, भरोसा करिए मेरा। पापा जी ठीक है, आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अब अगर कभी मेरे बेटी को हाथ लगाया तो एक ही रास्ता है, पुलिस स्टेशन, फिर वही बात करेंगे। ये आखिरी बार है, बस आपकी जुबान पे भरोसा कर रहे हैं हम। चलते हैं, नमस्ते। मत मारो यार। नहीं ठीक है, लेकिन बस एक बार, बार बार नहीं। ठीक है, चल निकल, निकल। भाई अगर जाने से पहले एक डोज मिल जाती तो। ये ले ले। बीवी का सौदा कर रहा है फिर भी नशा चाहिए, साला नशेड़ी। आरती सॉरी, वो हमें तुम पे ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। देखिए आप अगर ठीक हो जाओगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये शादी निभाना चाहते हैं। आप ऐसे, आपने हमें कभी छुआ नहीं, मेरा मतलब है एक शादीशुदा औरत की जिंदगी में। क्या मतलब है तुम्हारा, हमें नामर्द साबित करना चाहती हो तुम? हाँ अरे बस नशे कर रहे हैं इसलिए ऐसे हो गए, ठीक हो जाएंगे कुछ टाइम में, समझी? देखिए कोई बात नहीं, हम आपको कुछ साबित नहीं करना चाहते हैं, आप बस गुस्सा मत कीजिए। क्या कर? आपको? उसको बोलो मुझे बॉस ने भेजा है। संजय, कोई आया तुमसे मिलने? माय एक सेकंड।
बात है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस ऑफिस से आया, काम की बात कर रहे, बस जाहिर है। आज ऑफिस नहीं जाना है? नहीं माँ, आज छुट्टी। ये संजू के दिमाग में चल क्या रहा है आखिर? संजू कल भी ऑफिस नहीं गया और आज भी नहीं जा रहा है, बात क्या है? ये कौन सी जगह है? आप हमें लेके आए हैं? उधार उतारने आई हो तुम? चल निकल 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 जा, चल चल। जी जी रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? चुप। बोला ना कि तू कर्जा उतारने आई है, अब जल्दी से मुझे खुश कर दे और मैं तेरे पति का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। चल चालू हो जा, शुरू हो जा बस। देखो देखो, दूर हो, मेरे पास मत आओ। बताओ, हम सोच रहे थे कि तुम राजी खुशी से मान जाओगी, जिसमें तुम भी खुश हम भी खुश, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो कुछ घुसता ही नहीं है। सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलेगा तो हम उंगली टेढ़ी करेंगे, समझी? संजय समझाई से इस तरीके से मान जा, समझी? नहीं मानेगी, छोड़ दो। नहीं मानेगी। छोड़ दो, तुझे मानना पड़ेगा ना, वरना तुझे जान से मार देंगे। तुम्हारी जैसा पति किसी को ना। सीधे तरीके से मान ले वरना जान से मार दूंगा तुझे।
संजय अगर ये नहीं मानी ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा। मान जा। नहीं मानेगी? नहीं मानेगी? छोड़ दो। संजय, माजी, 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 हमें बचा लीजिए। ये हमारी इज्जत लुटवाना चाहते हैं। अम्मा तू यहाँ क्यों आई है? देख चली जा यहाँ से वरना बहुत पछताएगी। हम कह रहे हैं चली जा। नहीं हटूंगी। आरती को सही सलामत अपने साथ वापस लेके जाऊंगी। फिर हमें भूल जाना होगा कि तुम हमारी अम्मा हो। सारी सीमा लांघ दी संजू। किसी भी बेटी की इज्जत बचाने के लिए किसी न किसी बेटे की बलि चढ़ती है, लेकिन आज वो बलि उसकी सगी मां दे रही है। चाहे पूत हो या कपूत, एक मां को अपना बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। मां चाहे कितनी भी कठोर बन जाए लेकिन अपने बच्चे का हर गुनाह माफ कर देती है। बिनती ने आरती की इज्जत बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए अपने ही हाथों से अपने बेटे की जान ले ली। बिनती ने जो किया वो आरती को बचाने के लिए उठाया गया वो कदम था जिसे हम सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा भी कहते हैं। बिनती ने अपना गुनाह कबूल किया और खुद को कानून के हवाले किया। एक परिवार में एक मां ने अपने ही बेटे की जान ले ली। अगले दिन हर अखबार में ये हेडलाइन छपी। दोस्तों इस हत्या के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी नशा, और कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार थे जिन्होंने संजय की नशे की आदत छुड़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दोस्तों सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है। उन्होंने कई नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं, कई कैंपेन चलाए जा रहे हैं, बहुत से आयोजन किए जा रहे हैं जहां नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को अवगत कराया जा सके। इसलिए जरूरत है कि हम अपने देश को स्वस्थ बनाए, हर तरह के नशे को ना कहे और शायद इससे अपराध में भी कमी आ जाएगी। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक भी अलर्ट इसे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।